हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और इतना धुंधी का अर्थ अच्छा फ्रेंड्स, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये टॉपिक है डेली वॉक। आप अपने डॉग्स को, पप्पी को डेली वॉक लाजमी करवाया करें और आप यकीन माने कि इनकी हैबिट बन जाती है। और ये पूरा घर आज इसने पूरा सर पे उठाया हुआ था। आज वॉक इसकी वॉक करवाने का जो प्लान था वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि लाहौर शहर में आज बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। जिसमें जिस एरिया में मैं हूँ वो एरिया जब बारिश होती है तो काफ़ी पानी जमा हो जाता है रोड्स पर। लेकिन यकीन माने कि ये पूरा घर इसने सर पर उठाया हुआ है, शोर और उसके बाद चीखना चलाना, दरवाज़ों को पीटना अपनी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे वॉक इसकी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने वॉक नहीं करवाई तो ये जो है इसने नहीं आज छोड़ना। तो बस फिर वॉक इसे मैंने करवाई है। तो खुद भी मट्टी मट्टी हुई हुई है, गंदी हो चुकी हुई है। ये देखें मेरे कपड़े, थोड़ा सा आगे कैमरे को लेकर आए, ये देखें। तो ये जंपिंग करती रही, ये थोड़ा सा पीछे, बस ठीक है यहाँ पे। और अच्छा फ्रेंड्स, डेली वॉक क्यों ज़रूरी है आपके पप्पी के लिए? डेली वॉक इसलिए ज़रूरी है, इनका इम्यून सिस्टम फिट रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, मोस्टली लोग क्या करते हैं, खाना, जैसे डॉग ने खाना खाया और उससे बाहर ले जाते हैं वॉक करवा रहे हैं। खाना खाने के बाद वॉक बिल्कुल नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहले आप ये अपने माइंड में रखें, खाना खाने के बाद वॉक, अगर आप वॉक करवाना भी चाहते हैं खाना खाने के बाद, तो एटलीस्ट दो या तीन, एटलीस्ट तीन घंटे के बाद आप वॉक करवा सकते हैं। और बेसिक होना क्या चाहिए, आप अगर अपने पप्पी को आपने रात को खाना खिलाया, और सुबह की वॉक बहुत बेस्ट होती है, सुबह 5-6 बजे आप वॉक के लिए लेकर जाएं। उससे ये बेनिफिट्स होता है कि रास्ते में, रोड्स पे या फिर आप अपनी स्ट्रीट में हो तो रश नहीं होता, और आपका डॉग जो होता है उसको एनवायरनमेंट थोड़ा सा अच्छा मिलता है, और आप और डॉग की कम्युनिकेशन बीच में चल रही होती है। तो ये सुबह का टाइम ज़्यादा बेस्ट रहता है। और उसके बाद सुबह का जो वेदर होता है वो अच्छा होता है डॉग के लिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, ये मैटर नहीं होता जी कि गर्मी है। हाँ, जो ट्वाय डॉग है उनको सर्दी में लेकर जाना थोड़ा सा इशू है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो बिग ब्रीड्स में आ जाते हैं, जर्मन शेफर्ड हो गए, रॉटवाइलर हो गया, और लैब हो गया, हस्की हो गया। तो हम अपने टॉपिक पे ही रहते हैं कि वॉक करवाना क्यों ज़रूरी है। वॉक से ये बेनिफिट होता है कि आपका डॉग जो होता है जल्दी बूढ़ा नहीं होता, और दूसरा ये होता है कि उसका इम्यून सिस्टम भी ठीक रहता है, और वॉक जो होता है जल्दी बूढ़ा नहीं होता। मेन चीज़ तो ये है, जहाँ वो जर्मन शेफर्ड हो गया वो 15 से 16 साल तक उसकी एज है, एवरेज है ये, तो एवरेज वैसे 10-11 साल भी है। लेकिन अगर आपने उसकी वॉक अच्छी रखी हुई है, उसका खाना अच्छा रखा हुआ है, और उसकी मेडिसिन, उसकी वैक्सीनेशन पे अगर आपने प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया, डॉक्टर आपका एक होना चाहिए, याद रखें डॉक्टर एक होना चाहिए, उससे ये बेनिफिट होता है कि उस डॉक्टर को पता है कि यार ये इसकी वैक्सीनेशन और ये चीज़ें, ये कैसा ग्रोम हो रहा है, इसका इम्यून सिस्टम कैसा ठीक जा रहा है। दूसरे डॉक्टर, जब डॉक्टर्स चेंज कभी भी नहीं करने चाहिए, जब आप डॉक्टर्स चेंज करते हैं हर डॉक्टर फिर अपने मर्जी से देखता है। फैमिली डॉक्टर जैसे आप जानते हैं जी, फैमिली डॉक्टर, इनका भी डॉक्टर जो है वो एक ही होना चाहिए इसी तरीके से। तो उसमें यह है कि वॉक में सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट ये होता है कि आपका जो डॉग है उसकी बोन्स, उसकी ग्रूमिंग, ये चीज़ें सॉलिड रहती है। और उसके अलावा जो है आपका जो डॉग है तो आपके साथ उसकी दोस्ती लेवल अच्छा होता है, वो उसे समझता है। तो वॉक से, अगर जर्मन शेफर्ड है ठीक है, आप उसकी वॉक क्यों ज़रूरी है, जर्मन शेफर्ड की वॉक इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक तो फिट रहना चाहिए, दूसरा उसे आप जब डॉग शो में लेकर जाते हैं तो एटलीस्ट उसे वॉक करने का होता है कि भी मुझे वॉक करनी है, और डॉग शो में उसकी ट्रेनिंग के लिए भी आपको बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो जो भी
अगर आपने अपने डॉग को इस चीज़ की आदत डाली हुई है वॉक की, तो वो डेफिनेटली आपको जो है वो आपसे इस चीज़ के लिए जो है ना फाइट भी करेगा और आपको बताएगा कि जी मुझे आज वॉक पे जाना है, मुझे आज वॉक पे जाना है। अच्छा, वॉक पे जाने का फ़ायदा है तो हो गया, हमारे जो पेट्स हैं उसे फ़ायदा हो जाता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, दूसरा आपकी भी हेल्थ अच्छी रहती है। आपकी सुबह सुबह का टाइम जो होता है उसमें आप वॉक करें, आप अपने डॉग्स को लेकर जाएं बाहर और आप खुद भी वॉक करें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और डॉग की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो बेसिक ये वीडियो मेरा जो स्पेशली वीडियो ये मैंने बनाया है, और वो इसलिए बनाया है कि भी आप डेली वॉक डॉग के लिए ज़रूरी है। जर्मन शेफर्ड हो गया, उसे 2 टाइम वॉक ज़रूरी है, और लैब हो गया वो 1 टाइम चलता है, टॉय डॉग भी 1 टाइम चलता है, और डेली वॉक करवाने से जो है आपके पपी आपके डॉग की जो एज है वो इंक्रीज होती है, और दूसरा उसका जो उसकी जो खूबसूरती है, जो उसके मसल्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं कि नहीं यार ये एक डॉग है। मोस्टली डॉग 7 साल 8 साल के बाद जो होता है डॉग को, डॉग का इश्यू क्या होता है कि उसकी जो एक बॉडी शेप होती है वो बिल्कुल एक डल सी फ्लफी मोटा टाइप सा हो जाता है और वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डॉग लवर हैं तो आप ज़रूर अपने डॉग को वॉक करवाया करें। ये मत सोचा करें जी हमारे घर की छत बहुत बड़ी है या बाहर जो है वो पार्क है तो हमारा डॉग तो फिरता ही रहता है, तो वो भागते ही रहता है। नहीं, ये नहीं है। आपने जब तक आप उसको वॉक पर नहीं लेके जाते, हाँ बहुत बड़ा पार्क हो, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का पार्क हो, वहाँ पे अगर तो ये आप डॉग आपके आपको लगता है कि बॉल से खेलता है और आप बॉल थ्रो करते हैं, चाहता है लेकर आता है, तो इट्स अ गुड, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फिट है ये, इसमें डॉग की एक्सरसाइज अच्छी होती है। तो अगर घर की छत बड़ी है और आपका घर बहुत बड़ा है, तो आप ये मत सोचें कि जी कि आपके डॉग को वॉक की ज़रूरत नहीं है, आपके डॉग को वॉक की ज़रूरत है, क्योंकि वो घर के एनवायरनमेंट से जब बाहर निकलता है, घर के एनवायरनमेंट में मोस्टली क्या होता है, अगर आपका बहुत बड़ा टेरेस है या छत पे बहुत बड़ी छत है, तो कहीं ना कहीं पे उसे इश्यूज होते हैं, उसकी एक उसका एक उसकी एक बाउंड्री होती है, उसे पता होता है कि मुझे इस रास्ते से अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ तो मुझे रुकना होगा, लेकिन एक खुली जगह पे उसे पता है मुझे रुकना नहीं है, मुझे बस रनिंग करनी है। तो इसलिए आप अपने डॉग को डेली वॉक लाजमी करवाएं। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये बोलूँगा, थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पर आ चुके हैं और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।